चाचा भतीजी का रिश्ता हुआ शर्मसार नाबालिग भतीजी को बनाया अपनी हवस का शिकार पुलिस ने किया बलात्कारी चाचा को गिरफ्तार नागपुर की सनसनीखेज वारदात की गिरफ्त में सफेद नकाब पहने इस शख्स को जरा गौर से देखिए इसका नाम है शेष राव चौधरी उम्र 43 साल ये वो वहशी दरिंदा है जिसने अपनी ही नाबालिग भतीजी को अपनी हवस का शिकार बना डाला ये 28 तारीख को शनिचर के दिन हमारे पास कंप्लेंट आई स्कूल की तरफ से वहाँ का एक आठवीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है उसको उसके ही घर में उसका बड़ा आ, उसके अंकल उसको कुछ बैड टच हाथ लगाना कहीं पे भी ऐसा करते थे ऐसा उनको उन्होंने लड़की ने वो आठ एट क्लास में पढ़ते वो टीचर को बोला वो टीचर यहाँ हमारे पास कंप्लेंट लेके आए तो उसके ऊपर से हम लोगों ने गुना दाखिल किया है तीन सौ चौपन और तीन सौ छिहत्तर दो का और आ, उस आरोपी को अरेस्ट किया है और आगे की तहक़त चाल हो ये मामला ऐसा है कि ये लड़की के पिताजी एक गाँव में रहते थे वो कस्तक खेती करते हैं और ये लड़की इनके पास पढ़ाई के लिए इनके पास बचपन से इनके पास रह चुकी है रहती है तो उसका गैर फायदा उठा के वो उसने जो इसने किया है अंकल ने ऐसा प्राइमा पीछी तो लग रहा है इसके आगे की जांच में सामने आएगा दरअसल आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़ित बालिका अपने चाचा के साथ साल 2012 से रह रही थी जबकि पीड़ित बालिका के माता पिता गांव में रहा करते हैं और खेत में मजदूरी का काम करते हैं इस नराधमी चाचा ने इसी का फायदा उठाकर पीड़ित बालिका को लगातार अपनी हवस का शिकार बनाया अपने ही ताऊ द्वारा जारी अत्याचार और पढ़ाई रुकवाने की ब्लैकमेलिंग से पीड़ित बालिका परेशान हो उठी और आखिरकार उसने अपनी व्यथा अपनी स्कूल टीचर को बता दी जिसके बाद टीचर की शिकायत पर इस वहशी चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया दरिंदों की हैवानियत का शिकार दम तोड़ती मासूम कलिया कुछ ऐसी ही घटना शहर के हुड़केश्वर थाना अंतर्गत घटित हुई जिसमें एक ताऊ ने अपनी ही बेटी के साथ छः सालों तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया है इस घटना ने एक और जहाँ शहर में पूरी खलबली मचा दी वहीं दूसरी ओर इस घटना ने काऊ और बेटी के रिश्ते को भी कलंकित कर डाला वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ पारस बैसवारे इन ट्वेंटी फोर न्यूज़ नागपुर